Hello everybody, welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and State Civil Services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of uh, just 23 years. My name is Dr. H. S. Siddhu, I in Indian Economy and International Relations I have been mentoring the civil services aspirants for more than 15 years and uh, I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services examinations. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the preparation of the upsc and state civil services preliminary and main examinations targeting 2023 and 24 this will be a one year course and uh, available through offline and online mode moreover we are providing 7 days free trial classes also इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन यू मे क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन तो अभी अभिमन्यू आई एस में हमने इश्यूज़ एंड एनालिसिस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है वेयर वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इशूज विचार

सर्ट्स अभी-अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है जो वो पब्लिश की गई है 2022 की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट को लेकर के हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इंडिया की पोजीशन क्या है एंड इंडिया के पर्टिकुलर कंसर्न क्या है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है एंड भारत के अंदर कुछ एक्टिविस्ट्स एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिसने इस रिपोर्ट को निगेट किया है इसका खंडन किया है एंड इसके ऊपर ऑब्जेक्शन दिखाया है सो so चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स सो ये ऑलमोस्ट आप सभी को मालूम होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है कौन पब्लिश करता है फिर भी मैं थोड़ा यहाँ इसके बारे में कुछ बता देता हूँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो इट इज़ एन एनअल रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश बाई द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्फ सो दिज आर द टू ऑर्गेनाइजेश ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड द पब्लिश द रिपोर्ट ऑन एनुअल बेसिस अभी अभी हाल ही में ट्वेंटी ट्वेंटी टू की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसके अंदर वन हंड्रेड ट्वेंटी वन कंट्रीज़ को इनकलूड किया गया है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसके अंदर किसी कंट्री की जो परफॉर्मेंस है इन दिस पर्टिकुलर फील्ड रिलेटेड विद द हंगर दैट इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स बिटवीन जीरो एंड वन हंड्रेड जो जीरो स्कोर है होता है दैट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री या जितना स्कोर कम होगा उतनी किसी कंट्री की ग्लोबल हंगर इंडेक्स से लेके परफॉर्मेंस है जो वो बेटर होगी और जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा तो कंट्री की जो परफॉर्मेंस है वो वर्सन होती जाएगी गिरती जाएगी तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स बिटवीन ज़ीरो एंड हंड्रेड ऑफ the various countries which are considered under this report those have been divided into five categories un un countries ko hum five categories mein divide kar lete hain pehli category aati hai low of low means where the problem of hunger is very low तो so, इसमें वो countries आते हैं जिनका जो score है वो less than 9.9 रहता है जो दूसरी category है that is moderate. जहाँ हंगर प्रॉब्लम मॉडरेट है तो जिन कंट्रीज़ का स्कोर 10 से लेकर के 19.9 के बीच में रहता है वो कंट्रीज़ इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तीसरा है सीरियस जिन कंट्रीज़ के अंदर हंगर की प्रॉब्लम सीरियस मानी जाती है तो जिन कंट्री का स्कोर 20 से लेकर के 34.9 के बीच रहता है वो सीरियस कैटेगरी में फॉल करते हैं नेक्स्ट है अलार्मिंग जिन कंट्रीज का स्कोर 35 से लेके 49.9 तक रहता है एंड नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग वो कंट्रीज जिनका स्कोर मोर देन 50 रहता है सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर्स ऑबटेड बाय ए कंट्री द ए कंट्री इज पुट अंडर वन ऑफ दिस फाइव कैटेगरीज दैट इज़ लो मॉडरेट सीरियस alarming and extremely alarming these are the five categories and uh, uh, global hunger index me different countries ki jo hum performance measure karte hai, that is based on the four indicators so what are those four indicators first indicator is undernourishment that is the proportion of population facing chronic deficiency of दिस डाइटरी इनर्जी एंडटेक सो अंडर नॉरिशमेंट में क्या रहता है हम पॉपुलेशन की वो परपोर्शन लेते हैं ज, जिनकी जो डाइटरी इनर्जी इनटेक है वो काफ़ी पुअर है दे आर फेसिंग द क्रॉनिक डेफिशेंसी इन दिस मैटर सो वन इज दैट एंड द सेकेंड इज चाइल्ड स्टेंटिंग टाइल्ड स्टेंटिंग लो हाइट फॉर एज एंड जो थर्ड इंडिकेटर है दैट इज़ द चाइल्ड वेस्टिंग लो वेट फॉर हाइट एंड द नेक्स्ट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी डेथ ऑफ ए चाइल्ड बिलो फाइव ईयर्स ऑफ एज इसको लेकर के मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं हम एक ऐसे ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ हम एज ले लेते हैं यहाँ हम वेट ले लेते हैं एंड यहाँ हम हाइट ले लेते हैं so सो ये हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं इफ द हाइट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एज देन इट इज़ कंसिडर्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ स्टंटिंग। स्टंटिंग। एंड इफ द वेट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द हाइट देन इट इज कंसिडर्ड एज प्रॉब्लम ऑफ

फाइव ईयर्स ऑफ एज सो ये सब चीज़ें हम इसमें मेज़र करते हैं अब हम देखते हैं कि इस इंडेक्स में इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो क्या रही है आई थिंक आपने न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ में इस चीज़ को पढ़ा होगा सुना होगा देखा होगा कि भारत की जो परफॉर्मेंस है इस साल पहले के कंपैरिजन में लो रही है तो अभी वाली रिपोर्ट है 2022 वाली रिपोर्ट इस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 121 कंट्री में से वन जीरो रैंक है इंडिया का सो लास्ट ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर इन 2021 द रैंक ऑफ इंडिया वाज 101 सो दैट मीन्स इन दिस ईयर इंडियाज़ परफॉर्मेंस एज फार एज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज कंसर्न दैट हैज़ कम डाउन एंड अकॉर्डिंग टू द ट्वेंटी ट्वेंटी टू रिपोर्ट इंडिया इज़ बिहाइंड इट्स नेबर्स तो भारत अपने आलमोस्ट सभी नेबर्स से पीछे है अगर हम बात करते हैं साउथ एशिया की तो साउथ एशिया में ओनली अफगानिस्तान को छोड़ करके बाकी सभी कंट्रीज uh, के कंपेरिजन में भारत की परफॉर्मेंस है जो दैट इज़ लो बट अफग़ानिस्तान की परफॉर्मेंस भारत से भी लो है सो okay, so यहाँ मेंशन किया है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया इज़ बिहाइंड इट्स नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका एंड बांग्लादेश अफगानिस्तान इज द ओनली साउथ एशियन कंट्री दैट रैंक्स बिलो इंडिया सो इंडिया का जो टोटल स्कोर है दैट इज ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन ऑन द बेसिस ऑफ दिस दिस स्कोर इंडिया फॉल्स इन द सीरियस कैटेगरी दैट मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ हंगर

एक हमने देखना है कि टोटल कितने कंट्रीज कंसीडर किए किए गए थे 121। एक हमने देखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड एंड वेल्ट हंगर हेल्थ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये इसको करते हैं एक ये एनुअल रिपोर्ट है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन एंड नेक्स्ट है कि इंडिया के नेबर्स के कंपैरिजन में नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका एंड बांग्लादेश इन सभी के कंपैरिजन में इंडिया इज़ द लो परफॉर्मर कंट्री एज फार एज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज़ कंसर्न एंड इंडिया के नेबर्स में से द बेस्ट परफॉर्मर कंट्री कौन है दैट इज़ द श्रीलंका दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन परपज़ एंड एज़ फर एज द साउथ एशिया इज कंसर्न साउथ एशिया में इंडिया की पोजिशन है जो वो सेकेंड लास्ट पोजिशन है द लास्ट पोजिशन अफगानिस्तान की है ठीक तो इंडिया का के जो पॉइंट हैं वो ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन है ये इतना ज़्यादा रखना जरूरी नहीं है बट यस दिस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट इंडिया फॉल्स इन दीरियस कैटेगरी एंड देर आर फाइव कैटेगरीज ठीक सो अदर कंट्रीज इन इंडियाज कैटेगरी आर पाकिस्तान अफगानिस्तान जैम्बिया बोत्सवाना सूडान इथियोपिया माली इट मीन्स दीज आर द कंट्रीज़ विच फॉल इन द सीरियस कैटेगरी अलॉन्ग विद इंडिया देर आर सर्टन अदर कंट्रीज आल्सो हेयर वी हैव मैं सम्रीज एंड द नेक्स्ट इज दैट इंडिया में जैसे हमने बात की थी कि अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो हम कंट्री की क्लासीफिकेशन कैसे करते हैं वन इज़ द लो इफ द पॉइंट इज बिलो नाइन पॉइंट नाइन एंड सेकेंड इज़ द मॉडरेट कैटेगरी इफ द पॉइंट इज बिटवीन टेन एंड नाइनटीन पॉइंट नाइन एंड थर्ड इज द सीरियस कैटेगरी इफ द पॉइंट इज़ बिटवीन ट्वेंटी एंड थर्टी फोर पॉइंट नाइन एंड नेक्स्ट इज़ दैट That is the uh, you can say this uh, alarming category. Alarming category if the score is between 35 and 49.5, and the next is uh, extremely alarming if the score is uh, more than 50. So, these are the five categories on the basis of the which we decide that a country falls in which of these categories okay so as far as uh, child wasting is concerned no doubt uh, child wasting can matter may India ki jo position hai wo pehle se hai India ki performance hai jo, it means uh, in 2014 there were 15 percent wasted child in our country and as far as 2022 is concerned there are 19.3% wasted child in our country that means as far as the child wasting is concerned so india falls in this moderate category because the uh, this is the point okay and proportion of uh, undernourishment grew to 16.3 from 14.8 and uh, over the prevalence of stenting india has come down to 35.5 in 2022

के मैटर uh, में इंडिया इज द वर्स्ट परफॉर्मर अमंग ऑल द कंट्रीज विच हैव बीन कंसिडर्ड फॉर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स सो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है एंड इस चीज़ को देखते हुए वन मोर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट विच शुड बी इन माइंड दैट चाइल्ड वेस्टिंग के मामले में इंडिया की परफॉर्मेंस पुअर हुई है पहले के कंपेरिजन में एंड अंडर नॉरिशमेंट के केस में भी इंडिया की परफॉर्मेंस जो वो पूर रही है पहले के कंपेरिजन में एंड स्टेंटिंग के मामले में इंडिया की जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है एंड सिमिलरली अंडर फाइव मोर्टेलिटी के मैटर में भी जो इंडिया की परफॉर्मेंस है दैट हैज़ बीन ओके दैट हैज़ इम्प्रूव ओवर द प्रीवियस ईयर तो ये इम्पोर्टेंट है ओके सो वेस्टिंग में मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ पुअर परफॉर्मेंस ओके एज़ फार एज दैट दिस अंडर नॉरिशमेंट में अगेन डाउन and uh, as far as the stenting is concerned there is improvement and as far as the this mortality is concerned under five mortality there is again improvement in the position so this is the point which which you should bear in mind for the purpose of your examination uh, next is that uh, what does india's performance indicate um, jo india ki performance dekh rahe hai, is performance ka क्या मीनिंग निकलता है हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे इस रिपोर्ट को पहली बात तो ये है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट एंड इंडिया फॉल्स इन द सीरियस कैटेगरी सो दैट मीन्स भारत सरकार ने अभी तक जो फूड सिक्योरिटी मेजर्स या जो हंगर एलिमिनेशन के लिए जो स्टेप्स लिए हैं इट मीनस दो स्टेप्स आर इधर इन और

India has the highest child wasting rate of all countries covered under the Global Hunger Index. So a question on India's demographic dividend in the days to come. So ye bhi ek bada question hai, if we are having such a uh, high percentage of the wasted children in our country, So then in the days to come, uh, when we talk about this demographic dividend of the country.

जो परफॉर्मेंस है वो पहले के कंपैरिजन में क्यों खराब हुई है ये एक कारण हो सकता है कि कोविड नाइन्टीन की वजह से जो पेंडेमिक थी लॉकडाउन से एंड आफ्टर दैट दिस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है जो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज इन चीज़ों की वजह से इन्फ्लेशन आई है सप्लाई चेंस की डिसरप्शन हुई है एंड दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम कैन बी देयर ओके एंड नाउ यर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वॉट इंडिया कैन डू तो ऐसी सिचुएशन में फिर भारत क्या कर सकता है भारत को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज देयर दैट इज इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी तो हमें जो गवर्नेंस है दैट शुड बी मेड मोर इंक्लूसिव स्टेक होल्डर्स को हम इन्वॉल्व करें गवर्नेंस में वन पॉइंट इज दैट

सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन बेटर सुपरविज़न जो लोग uh, जिन लोगों के लिए हम ये काम कर रहे हैं जैसे हंगर एलिमिनेशन प्रोग्राम फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं एम डी एम एस है डे मील स्कीम सो आई सी डी एस है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड uh, देश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जो ड्यूरिंग दिस कोविड पेंडेमिक स्टार्ट की थी भारत के प्रधानमंत्री ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम कह सकते हैं एंड देन देर इज़ दैट अंतोदया आन योजना है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो इन चीज़ों को हमें आ, जो है आ, इनकी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव बनाने के लिए कहीं जहां पर लीकेज है उसको रोकने के लिए और जो घोस्ट बेनिफिशरीज़ जो इन स्कीम्स में एंटर कर जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन बेटर कराएं और सुपरविज़न जो हो दैट शुड बी बेटर एंड सिमिलरली हमें जो लोकल कंटेंट एंड लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग है जो जो हमारे रिसोर्स हैं उनको स्केल अप करना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हर जगह पे एक ही प्रॉब्लम हो बिकॉज इंडिया इज़ ए वेरी वास्ट कंट्री और डिफरेंट uh, रीजन्स की जो सोशो इकनोमिक कंडीशंस हैं वो डिफर करती हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक स्टेट uh, के लिए हर एक रीजन की सेम ही प्रॉब्लम हो सो दैट मीन्स इट मीन्स आई वुड लाइक टू से दैट के द सेंटर गवर्नमेंट टू डेलोकेट द फंड टू द स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ बेटर एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफ दिज स्कीम्स एंड द स्टेट गवमेंट्स शुड बी अलाउड टू डिसाइड देयर प्रियॉरिटीज एंड प्रेफरेंसिस एंड दे शुड डिटर्मिन दैट हाउ दो शुड बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द टारगेटेड बेनिफिशरीज सो दैट इज द पॉइंट देयर तो ये होना चाहिए हमारे कंट्री में अब नेक्स्ट है कि इंडियाज़ ऑब्जेक्शन अभी अभी ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है जैसे मैंने बात की थी कि भारत सरकार को इस रिपोर्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन है ऑब्जेक्शन क्यों है क्योंकि लगातार पिछले साल भी इस साल भी भारत की जो परफॉर्मेंस है उसको लो दिखाया जा रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि दिस इज़ नॉट जेनुअन ये जो रिपोर्ट में जो भारत की रैंकिंग है जो भारत का स्कोर है ये जेनुअनली यू कैन से वर्कआउट नहीं किया गया है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सो so भारत सरकार के कंसर्न क्या हैं ऑब्जेक्शन क्या है वन इज दैट इट इज़ एन एरेनियस मेज़र ऑफ हंगर वो कहते हैं कि ये हंगर का अप्रोप्रिएट मेज़र नहीं है करेक्ट मेज़र नहीं है राइट देर इज़ सम दिस सो दैट इज़ वाई इस मेज़र के ऊपर हम रिलाई नहीं करते एंड द सेकेंड पॉइंट विच इज़ तेयर दैट इज़ वाई वो कहते हैं कि इस मेजर के ऊपर हम रिलाई नहीं करते वन पॉइंट इज देकेट सफर्स फ्रॉम सीरियस मैथडोलॉजिकल ईशूज वो कहते कि इसमें जो मैथोडोलॉजी है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को वर्कआउट करने की तो उस मैथडोलॉजी में ही फ्लॉ है फॉल्ट है तो देट इज़ वाई दे एट दैट मेथोडोलॉजिकल इशूज आर देयर तीसरा वो कहते हैं द सर्वे कैन नॉट बी रिप्रजेंटेटिफ दिन पापोलेशन ये जो सर्वे है ये इंटायर पापूलेशन का रिप्रजेंटिटिव नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर क्या किया है एक छोटा सा सैंपल लिया तीन हजार लोगों का और उनकी जो ओपिनियन पोल करवा ली तो दैट इज़ वाई द थ्री थाउजेंड पीपल और ए स्मॉल सैम्पल ऑफ थ्री थ्री थाउजेंड पीपल कैन नॉट बी द एग्जैक्ट और द जैन रिप्रजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ सच ए बिग कंट्री सो दैट इज वाई ये भी भारत सरकार को एक यहाँ ऑब्जेक्शन है तो दीज आर द देरियस ऑब्जेक्शन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फर्दर क्या है वो कहते कि ग्राउंड रियलिटीज आर मच डिफरेंट फ्रॉम दैट शोन इन द इंडेक्स रिपोर्ट वो कहते हैं के कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है ये रिपोर्ट तो भारत की इमेज को टार्निश करने के लिए ख़राब करने के लिए पब्लिश की गई है इस रिपोर्ट में भारत की जो परफॉर्मेंस को लो दिखाया गया है भारत की इमेज को टार्निश करने के लिए बट कहते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ तो बहुत डिफरेंट हैं हमारे कंट्री के अंदर वो कहते हैं कि यू कैन से इसको मैनिपुलेट किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक हमने uh, बहुत यू कैन से सीरियस मेज़र लिए हैं जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो अब भी चल रही है आज की डेट में जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब भी चल रही है ये तो दैट मीन्स वो कहते हैं कि जब हम इतने अच्छे प्रोग्राम्स लेके आए हैं राइट दैट इज़ दिस अंत्योद्यान योजना है मिड डे मील स्कीम है आई है एंड दिस uh, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना है एंड दिस प्रोग्राम हम ये देखते हैं कि इनकी जो आउटकम्स uh, हैं इसके जो रिज़ल्ट हैं दो आर क्वाइट इंकरेजिंग रिजल्ट सो फिर ऐसी कंडीशन में जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो uh, गिर जाए राइट right, वो थोड़ा अनरियलिस्टिक सी लगती है सो दैट इज़ वाई भारत का ये ऑब्जेक्शन है एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिवेल्पमेंट हैज़ टेकन अप द मैटर विद द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सो इस रिपोर्ट को लेकर के क्योंकि तो भारत को ऑब्जेक्शन है दैट इज़ वाई भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिवेल्पमेंट है उसने इस मैटर को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आगे भी उठाया है रजिस्टर किया है एंड जैसे मैंने लेक्चर की बिगनिंग में बोला था कि बहुत सारी जो एक्टिविस्टर्स एंड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दे आर आल्सो डिमांडिंग एक्शन अगेंस्ट द पब्लिशर्स ऑफ दिज रिपोर्ट्स तो ये था इस रिपोर्ट के बारे में बट लेट मी टेल यू अगेन इस रिपोर्ट में एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है अगर मैं प्रलिमिन्री एग्ज़मिनेशन की बात करूँ तो प्रलिमिन्री एग्ज़मिनेशन के अंदर पहली बात है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है क्या ये रिपोर्ट एनुअल बेसिस पे पब्लिश होती है या दो साल में एक बार या तीन साल में एक बार क्या रहता है एक तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है दूसरी चीज़ है इसके अंदर जो भी कंट्रीज स्टडी किए जाते हैं उनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ओके जैसे लो मॉडरेट दिस सीरियस कैटेगरी अलार्मिंग एक्सट्रीमली अलार्मिंग फाइव कैटेगरीज हैं नेक्स्ट है कि इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जैसे चार इंडिकेटर्स की हमने बात की थी ओके दैट इज दिस अंडर नरिशमेंट हो गया मोर्टेलिटी हो गया वेस्टिंग हो गया दिज आर द वेरियस स्टेंटिंग हो गया दीज आर द वेरियस इंडिकेटर्स विच आर कंसिडर्ड अंडर दिस एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत की पोजिशन क्या है वन हंड्रेड सेवंथ पोजिशन है पिछले साल वन हंड्रेड फर्स्ट थी अब अब परफॉर्मेंस में फॉल आया है एंड नेक्स्ट था कि हमने देखा था कि अंडर दिस नरिशमेंट एंड वेस्टिंग को लेकर के इंडिया की परफॉर्मेंस पहले के कंपैरिजन में ख़राब हुई है एंड जो स्टंटिंग है एंड जो मोटेलिटी है उसको लेकर के इंडिया की परफॉर्मेंस में पहले से लेकर के इम्प्रूवमेंट हुई है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको आपके जानने समझने के लिए एंड नेक्स्ट है भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं राइट right, उनको लेकर के इंडिया की रिलेटिव पोजीशन क्या है भारत सबसे पीछे है अफगानिस्तान को छोड़ के साउथ एशिया में अफगानिस्तान इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री एंड इंडिया इज द सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री वी कैन से एंड जो बेस्ट परफॉर्मर्स है साउथ एशिया में दैट इज़ श्रीलंका दैट इज देयर ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो रिपोर्ट है जो इसकी जो पुअर परफॉर्मेंस है ये क्या इंडिकेट करती है कि ये इंडिकेट करती है जैसे मैंने आपको दो तीन पॉइंट्स बताए हैं उसको सुन लेना कि भारत के इट मीनस जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स है या जो हंगर एलिमिनेशन प्रोग्राम्स है दोज़ आर नॉट इफ़ेक्टिव और दोज आर नॉट एडिक्वेट वी कैन से पहला सवाल ये होता है दूसरा जब हम चाइल्ड वेस्टिंग की प्रपोर्शन देखते हैं तो भारत के अंदर जितने भी 121 कंट्रीज स्टडी किए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर उनमें से सबसे ख़राब पोजीशन भारत में है सो 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 दैट मीन्स इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वेदर वी वी वुड बी एबल टू रीप दैट और नॉट देट इज़ ए बिग क्वेश्चन बिफोर आस सो ये भी एक क्वेश्चन uh, यहाँ पर अराइज होता है येस परफॉर्मेंस गिरने का कारण कोविड नाइन्टीन में जो लॉकडाउन uh, थे या जो सप्लाई चेंस की डिस्ट्रप्शन हुई उसके बाद ये जो इंडो चाइना सॉरी ये जो यू एस सॉरी जो रशिया एंड यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते हुए जो अभी सप्लाई चेन्स की डिसरप्शन हुई है दैट मे आल्सो भी द वन ऑफ द रीजन एंड भारत सरकार के ऑब्जेक्शंस क्या क्या हैं इस रिपोर्ट को लेकर के इन सब चीज़ों को ले प्रीलिमिनरी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही हैं एंड जो मेंस के लिए क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की परफॉर्मेंस पुअर क्यों है

इम्पॉर्टेंट जो मेजर यू कैन से जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं या जो अंगर एलिमिनेशन के लिए जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं उनको जरूर स्टडी कर लेना है आपने जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है अन्न योजना है प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण योजना है सिमिलरली हमारा जो मिड डे मील स्कीम है बच्चों के लिए स्कूल के बच्चों के लिए एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है इन सभी स्कीम्स को इन सभी चीजों को आपने पढ़ लेना है ओके सो दैट इस कॉन्टेक्स्ट में आपका जो uh, अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर एडिक्वेटली लिख पाओ ओके तो दिस इज ऑल अबाउट टू लेक्चर थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट तो नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे थैंक यू वेरी मच